सो हेलो गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई डज बॉटमिंग हर्ट। बॉटम को आखिर दर्द क्यों होता है, क्यों आखिर बॉटम को पेन होता है व्हेन दे आर बीइंग फिजिकल। जब फिजिकल हो रहे हैं तो आखिर बॉटम को पेन इतना होता क्यों है। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि चाहे वो टॉप हो या बॉटम हो, पेन दोनों को होता है। हाँ, बॉटम को ज्यादा होता है टॉप के मुकाबले, ये बात तो मैं मानता हूँ। बट गाइस, क्या आपने सोचा है कि आखिर ये पेन होता क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये जो पेन होता है ये फिजिकली होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये फिजिकली तो होता है, साथ साथ मेंटली भी होता है। और मेंटली हम जानते हैं ना कि एज वी नो कि मेंटली जो प्रेशर होता है ना वो कुछ ज़्यादा होता है शारीरिक रूप से उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेंटली प्रेशर है ये मेन चीज़ है, अगर हम इसको हटा दें तो जो बॉडी लेवल पे पेन होता है वो तो कोई भी सह लेगा, लेकिन मेंटली प्रेशर ही तो है, मेंटली पेन है जो कि नहीं बर्दाश्त होता है। तो ये क्यों होती हैं ये चीज़ें? ये होता है अनएक्सपेक्टेड सेक्स की वजह से, कुछ ऐसा जो कि आपने इमेजिन ना किया हो या उस तरह से ना किया हो इमेजिन जैसा हो रहा है आपके साथ, तो वो हर्ट कर सकता है बॉटम को। ठीक है, सो गाइज मैं इसके लिए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको हेयर को रिमूव कर लेना चाहिए, अपने बट के हेयर को रिमूव कर लेना चाहिए। मैंने बता भी रखा पहले कि बट के हेयर सबको रिमूव करने चाहिए, टॉप बटम वर्ड स्टाइल कोई भी हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बट के हेयर को रिमूव कर लेना, क्योंकि जब आप हेयर रिमूव कर लेंगे तो इस चांसेस कि जब आप फिजिकल होंगे तो वो चीज़ें बीच में नहीं आएंगे हेयर। अगर बीच में नहीं आएंगे तो खींचेंगे नहीं, और जब खींचेंगे नहीं तो चांसेस है कि उन जो कि खींचने से दर्द होता है वो दर्द आपका नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आपका हेयर रिमूव होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको कह दूं कि ये जो सेक्स है ना, अगर आप वर्जिन है, स्पेशली बॉटम है, अगर आप वर्जिन है तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचने का लगता होगा, क्योंकि काफ़ी बॉटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराते हैं इन चीज़ों से। तो वो अब तक काफ़ी टाइम तक मतलब वर्जिन रहते हैं ये सोचकर कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो कई बार ट्राई भी करते हैं बट उनका हो नहीं पाता है दर्द की वजह से, तो वो फिर नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं आज की जो वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको, क्योंकि ये चीज़ें देखो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत दर्द तो सबको होता है, बट सेक्स फोबिया भी हो सकता है। सेक्स फोबिया बेसिकली एक मेंटली डिसऑर्डर है, कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं बीमारी है मेंटली, जिसमें ऐसा लगता है इंसान को कि सेक्स से डर लगता है उनको। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भारी बीमारी हो या ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि किसी इंसान से, जैसे किसी को भूत से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, इस तरह की चीज़ है। तो ऐसा ये भी है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता है आपको। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो लोग कुछ 2-4 महीने का वो होता है कोर्स वगैरह, जिस पर वो आपको डर को भगाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ आपको समझाने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब आप सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डर है वो निकल जाएगा। वो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सेक्स फोबिया हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एकदम डर ही लगता हो सेक्स से। बट अगर आपके अंदर ऐसा है कि आप करना चाहते हैं बट दर्द की वजह से नहीं हो पाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, तो जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं गाइस कहना चाहूँगा कि जब हमें दर्द इसलिए होता है किसी बॉटम को, फर्स्ट टाइम दर्द इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी भी आप देख लीजिए, अगर आपका जो होल है उस वो ओपन होगा तो थोड़ा दर्द तो होगा ना। जब हमारी स्किन को टच करेगी उसमें खिंचाव पड़ेगा तो दर्द तो होना है, सिंपल सी बात है। अब उस दर्द को देखो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग, बट कम ज़रूर किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? तो पहली बात तो आपको क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ करनी है, जितना मैंने बता दिया, हेयर रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर घबराएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले घबराना, कैसे नहीं घबरा सकते हैं, अगर आप सामने वाले के साथ कंफर्टेबल हैं टोटली, तो हम 100% श्योर कि आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन या घबराहट नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप जिसके भी साथ फिजिकल हो रहे हैं उसको आप अच्छे से जान लीजिए। फर्स्ट मीटिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाता काफ़ी लोगों से, काफ़ी बॉटम से जो फर्स्ट मीटिंग में सिक्सर लगा देते हैं, बट कुछ बॉटम होते हैं जो कि इमोशनली वो होते हैं काफ़ी, जो लोग ऐसा नहीं कर पाते फर्स्ट मीटिंग में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले बंदे को आप अच्छे से जान लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि कब सारे लोग ऐसे होते हैं फीलिंग को लेकर अटैच होते हैं वो, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ वही हमें टच कर सकता है, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, वो अपनी मर्जी है। सो एकदम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब आप सामने वाले बंदे को जान जाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक आदर मिलेंगे, तो वो चीज़ें हैं जो मेंटली जो कि सोचते थे कि कैसा होगा सामने वाला, वो कैसे करेगा अगर हम लोग फिजिकल होंगे, तो ये चीज़ें ना ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी जब आप सामने वाले पर्सन को जानने लगोगे। तो ये मेंटली डिस्टर्बेंस जो है आपका वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, और घबराहट जो है आपकी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुड बॉन्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉन्डिंग मजबूत है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़
बहुत सारे बॉटम्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं रहती है सामने वाले से जिससे वो मिल रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट या सेकंड टाइम मिलते टाइम, तो ऐसा अक्सर हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वर्जिन होते हैं, उनको तो दर्द होना लाजमी है। जो लोग वर्जिन नहीं होते उनको भी दर्द होता है 4-5 बार करने के बावजूद, तो वो चीज़ें होती ही हैं, सबके साथ होती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में होती ही होती हैं। तो वो होता है उसमें इतना वो नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में वो शायद ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप कहीं पर भी फिजिकल हो रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान रख लीजिए, कहीं से भी कोई डिस्टरबेंस ना हो आसपास, अच्छा हो, कोई से शोर शराबा फालतू का ना आए, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान जाता है हमारा कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि आप कंफर्टेबल जगह पर प्लेस को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर भी आप फिजिकल होना चाहते हैं, तभी वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि अब मैं बताने वाला हूँ, वो है एक्साइटमेंट लेवल। जी हाँ गाइस, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, उसको फील ही नहीं आएगा तो कैसे एंजॉय कर पाएगा, और जब एंजॉय नहीं कर पाएगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा, और वही मज़ा नहीं आएगा तो वही चीज़ में दर्द में बदल जाएगी, पेन में। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा कि एक्साइटमेंट लेवल आपका बढ़ना चाहिए सामने वाले बंदे का। कैसे बढ़ सकता है? एक तो वो कुछ रीजंस है जो कि मैंने बताया था कि टॉप अगर बॉटम में वो सारी चीज़ें करे जो कि मैंने बताया था 10 चीज़ें टोटली, तो बॉटम का मूड ऑटोमेटिक बन जाएगा एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सेक्स का फिजिकल होते टाइम। तो वो चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि टॉप कर सकता है बॉटम में, तो ऊपर आई बटन मिल जाएगा और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो टॉप बॉटम में करे तो बॉटम को अच्छा लगेगा और पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा। बट इसके अलावा मैंने बता दिया एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाए बॉटम का, क्योंकि अगर वो बढ़ता है तो वो मतलब उसको एकदम मूड में ला दीजिए। अगर वो एकदम परफेक्टली फीलिंग आ जाएगी उसको, तो उसके बाद वो कंट्रोल ही ना कर पाए, उसको इतना एक्साइट कर दीजिए, एक्साइटमेंट में ला दीजिए उसको, तो ये चीज़ जब होगी तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें हो जाएंगी। आपको उसके लिए इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है, और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है यार, सबको होता है, इसके लिए इतना घबराना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो तब तक ही डर रहता है जब तक आप कर नहीं लेते हैं, और वो मैंने बताया ना कि फिजिकली पेन इतना नहीं होता जितना हमें डर होता है, तो डर को भुला दो, कुछ अलग करो वाला सीन है। और एक चीज़ और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि क्रीम्स आती हैं, जेल आते हैं जो कि आप लगा सकते हैं ऐस में और अपने छोटू में, तो वो चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है उससे कि एक पेन नहीं होता है क्योंकि फिसलने लगता है। देन आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल से भी अच्छे ऑप्शन हैं, अवेलेबल हैं, तो आप उनका यूज़ करें कि तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो फिर एकदम स्मूथ हो जाता है, एकदम फिसलने लगता है, तो उसमें बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होता, इवन पता भी नहीं चलता काफ़ी लोगों को तो कि कब हुआ, कब चला गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि क्रीम जेल जो भी आते हैं मार्केट में ले सकते हैं, अच्छे अच्छे आते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, सस्ते हैं काफ़ी, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्जिन हैं तो आपको करना ही करना है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियो के लास्ट में, कि जब तक आप मेंटली और शारीरिक दोनों तरह से तैयार ना हो जाए तब तक आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि मैं तैयार हूँ अब, तो उसके बाद आपका खुद ऑटोमेटिक मन करेगा, और थोड़ा बहुत दर्द जो होगा तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने बताया है, तो आपको डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो ख़त्म करते हैं, और ऐसा नहीं कि जो वर्जिन है तो जरूरी है, ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप लोग जब तक कंफर्टेबल ना हो तब तक ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती से करेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इवन दर्द ज़्यादा होगा। खैर इस वीडियो को चलिए ख़त्म करते हैं, मैंने कोशिश की है छोटा सा समझाने की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन प्रॉब्लम्स में होते हैं कि मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।